आजकल फोन पे सभी आदमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको फोन पे इस्तेमाल करना नहीं आता है। बस वो मोबाइल वगैरह रिचार्ज कर लेते हैं तो वो सोचते हैं अरे हमको तो फोन पे चलाना आता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आप फोन पे को इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप खुद से ही फ़ोनपे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, गैस का बिल पे कर सकते हैं, वाटर का बिल पे कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन, नए नए जो ऑप्शन है वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे। फ़ोनपे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से फ़ोनपे को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ोन पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका फ़ोन पे है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से कर रखा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 100 मिलियन प्लस में है डाउनलोड, इसका रेटिंग 4.4 का है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपको बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है। तो वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में जो है कुछ इस तरीके से ये पेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपको सबसे पहले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट का। इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है वो आप यहाँ से चूज कीजिएगा। जैसे मेरा स्टेट बैंक में, मैं इस पर चूज करूँगा। और यहाँ से आपका सिम 1 में है, सिम 2 में है, इसलिए बोल रहा है कि आपका जो भी है आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जो है उसी पे आपको एक SMS आएगा, ठीक है, और वो आपको SMS वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा इसमें नहीं है तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, आपका है तो इस तरीके से आपको डाल देना। और यहाँ पर देखिए कि ये SMS सेंड हो रहा है और यहाँ पर आपको जो है ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से ले लेगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं लेगा, अगर ले होगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि मेरे पास यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है और इस तरीके से आपको जो है सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि फैचिंग आपको यहाँ पे हो रहा है कि आपके अकाउंट फाइंडिंग लिंक विथ इतना नंबर पे। देखिए मेरा ये जो है नंबर जो है बैंक में अकाउंट में लिंक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अनेबल लिखा के आ चुका है। अगर आपका होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो है यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मनी ट्रांसफर है, यहाँ पर टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से है अपना जो नंबर है मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर में जो भी आपका नंबर है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और वो आपको यहाँ से उस पर जो है मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर देखिए टू अकाउंट है, अकाउंट वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट, यहाँ पर UPI आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बैंक आते हैं। बैंक आने के बाद यहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर, जब आप बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे तो बैंक बैलेंस पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या बैलेंस है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो जो लिंक नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। अगर आपका होगा तो यहाँ पर लिंक हो जाएगा और यहाँ पर आपका बैलेंस भी बता देगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आइएगा, यहाँ पर है फ़ोनपे वॉलेट है, अपना फ़ोनपे वॉलेट में पैसा भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, तो यहाँ टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके मैं आपको बता ही देता हूँ। थोड़ा ये लंबा होगा वीडियो, बट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करके अपना जो है यहाँ से किसी को जिसको भी आप उसे ऐड कीजिएगा उसको आप जो है यहाँ पर देखिए इंटर अमाउंट और से समथिंग, इस पर क्लिक करके आप कितना अमाउंट जो है उसको रिचार्ज करना चाहते हैं इस तरीके से कभी क्लिक करेंगे 10 रुपये और पे वाले पे क्लिक कीजिएगा तो उस नंबर पे आपका रिचार्ज हो जाएगा जब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बैंक बैक आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐड नहीं किया हूँ, तो इस तरीके से मैं बैक आ जाऊँगा। इस तरीके से आप सेल्फ टू सेल्फ पर क्लिक करके आप अपना ही यहाँ पर सेल्फ अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के द्वारा।
यहाँ पर देखिए कि ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो कोई फैमिली मेम्बर है या कोई हो वो उसका जो अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि रिचार्ज पे भी यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, DDH का रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल चार्ज पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मैं चलिए यहाँ मैं इस नंबर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि आपका ऑपरेटर आ चुका है। यहाँ पर मैं एयरटेल वाले पर क्लिक करूँगा यहाँ, और यहाँ मैं बिहार एंड झारखंड वाले पर क्लिक करूँगा। आपका यहाँ पर पूरा जो है ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो पूरा प्लान ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर नो डेली लिमिट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ ट्रूली अनलिमिटेड का, यहाँ स्मार्ट रिचार्ज का, यहाँ पर जो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी रिचार्ज करना है यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे हमको यहाँ पर करना है यहाँ पर 449 का, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लान आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका प्लान लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ चेंज प्लान भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपना इंटर डेबिट कार्ड नंबर डालिएगा, मंथ ईयर और CVV नंबर डाल के, जैसे इस पे आपको जो है रिचार्ज वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर जो भी बैंक में लिंक है उस पे एक OTP आएगा, OTP डालिएगा और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपका रिचार्ज है सक्सेसफुल्ली हो जाएगा। इस तरीके से हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद में और भी ऑप्शन यहाँ DDH रिचार्ज है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोला ऑपरेटर चूज़ करने के लिए, जैसे कि आपका DISH TV है, DISH TV वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देना है तो आपका DISH TV जो है रिचार्ज हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड का, पोस्टपेड लोन, बुक सिलेंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए सी ऑल पे और यहाँ पर देखिए कि आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डोनेट ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, यहाँ एजुकेशन फीस भी ले सकते हैं, यहाँ लैंडलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल, लोन बिल, इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूनसिपल टैक्स भी भर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा जो है रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। जैसे आपको बाइक इंश्योरेंस करना है तो बाइक इंश्योरेंस वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपका नंबर डालना है और यहाँ पे जो है आपको सबमिट कर देना है। जैसे बाइक नंबर डाल के सबमिट करते हैं तो आपको जो है इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है और जो भी पैसे जो आपका बोलेगा अकाउंट से कटाने के लिए वो आप कटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको गोल्ड वगैरह भी मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिए 24 कैरेट गोल्ड है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना गोल्ड भी यहाँ पे बाय कर, यहाँ से देखिए बाय गोल्ड है, बाय गोल्ड पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना गोल्ड भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेव गोल्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपको 0.5 ग्राम गोल्ड है तो आपको इतना पैसा में, 1 ग्राम गोल्ड है इतना पैसा में, आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे आपको 1 ग्राम गोल्ड लेना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए कि आपको जो है 1 ग्राम गोल्ड का इतना जो है आपका जो है आ चुका है और यहाँ पर देखिए कि आपका पिन कोड आ चुका है, मॉडल और ये सब सारा का सारा आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ बाय वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ कन्फर्म एड्रेस वाले पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है बहुत ही आसानी से आप जो है गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। सो इस तरीके से गाइस यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग है, यहाँ पे स्टार्ट स्लिप है, इस तरीके से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो है पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पिज्ज़ा वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखें डोनेशन भी आप दे सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे ब्रांड वर्चुअल कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टोर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारा स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे स्टोर का मिल जाता है। यहाँ पे पॉपुलर स्टोरेज है, यहाँ पे देखिए फ्रूट के लिए भी आप जो है यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मीट के लिए भी आप यहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे फूड है, वेजिटेबल सारा है, यहाँ शॉप का वगैरह का मिल जाता है, यहाँ पे ऑल कैटेगरी आपका आपको मिल जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस वाले पे यहाँ पे क्लिक करके आपको सारा इंश्योरेंस जो होता है वो आपको यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको ढेर सारा इंश्योरेंस मिल जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस इन अदर का भी मिल जाता है। इस तरीके से मनी वाले पे क्लिक कीजिएगा, मनी वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट है जो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपको फ़ोनपे का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो है आपको बाय फास्टैग का ऑप्शन मिल जाता है और सी ऑल पे क्लिक करके और भी आपको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारा पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बैक आएंगे, यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है
कहाँ कहाँ कितना रिचार्ज किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुका है। जिसमें मैं अभी रिचार्ज किया हूँ तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है और मैं किया भी नहीं है तो यहाँ पे फेल बता रहा है। आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सक्सेस बताएगा। ये आपका वार कोड है, वार कोड पे क्लिक कीजिए। किसी भी वार कोड को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका कोई वार कोड आएगा जैसे मेरा, मैं इस तरीके से इसको स्कैन भी कर लूँगा और मैं इसको किसी को भी पेमेंट भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद सिंपली मैं आपको होम पे जाऊँगा। होम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए पिक वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपका ईमेल वगैरह को मिल जाता है, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए कि माय वार कोड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका माय वार कोड आ जाएगा। आएगा कब, जब आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पे वार कोड भी आपको शो कर देगा। इस तरीके से ये जो है मैं पहले बताया था कि किस तरीके से करना है। तो अब मेरा ये मोबाइल नंबर नहीं है, अगर मेरा मोबाइल नंबर रहेगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका जो वार कोड है ये यहाँ पे ये वार कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा जब बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा तब। मैं नहीं किया हूँ तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माय एड्रेस है, यहाँ पे माय लैंग्वेज है और यहाँ पे आप वही सारा कुछ आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि KYC डिटेल है, यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा और कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से KYC कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ देखिए पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालना है, पैन होटल का नाम डालना है, यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड यहाँ से ही आपका KYC कंप्लीट हो जाता है फोन पे पे। सो गाइस यहाँ से आपने देखा है कि किस तरीके से आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड रिचार्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे आप खाना वगैरह भी मंगा सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, यहाँ डोनेट कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे जो है आप जो है फ़ोन पे से बहुत सारा चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको वही मोबाइल नंबर से आपको इसको ओपन करना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक हो, तभी आपका जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन में बताया हूँ कि यहाँ पे जाइएगा तभी आपका ये बार कोड शो होगा। अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता कि किस तरीके से यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड होता है, ठीक है। तो मेरा जो है बैंक में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है इसीलिए मैं ये ऑप्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये भी करके बता देता। जब मैं इतना बता ही रहा हूँ तो बस इसको ऐड करने में क्या है। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप थोड़ा आसान तरीका है जो आप फॉलो करके यहाँ से जो है उसको आप जो है सब कुछ इस पे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।